गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप 5.1 एक्सरसाइज कर ली ही, कोई डाउट होएगा पूछ लियो। आज 5.2 एक्सरसाइज आप लास्ट तक करनी है। आज आप 5.3 करन लगे हैं, 5.2 करांगे पर लास्ट तक करांगे। 5.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक 10th क्लास किया हो। देखो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किदा दी होंदी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म की होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगा होना चाहिए। उसका सोल्यूशन का फार्मूला की होंगे, माइनस बी डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला भी किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। जो इदा की फॉर्म च दिता है आप इदा फार्मूला लगा के सोल्व करीद। मैं 5.3 एक्सरसाइज की एग्जाम्पल करा देना, अनसोल्ड सम तुम सोल्व कर लो, बड़े आराम हो जाएंगे। हूँ जिदा पहला सम है, एक्सा कोफिशियंट नहीं है, इन आप ईजली सोल्व कर लेना है, यानी कि एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है दो, प्लस टू उधर जाए की हो जाएगा माइनस टू, पता ही है प्लस टू उधर जाए माइनस टू हो जाएगा, स्केयर इधर आ गए अंडर रूट होएगा, जो स्केयर उधर आ गए अंडर रूट होएगा, अंडर रूट माइनस टू बनेगा, इतने प्लस माइनस आएगा। 10th क्लास तक अंडर रूट के नैगेटिव नंबर नहीं आता पर ये आएगा, बार प्लस माइनस लगेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इतने अंडर रूट माइनस टू आएगा, इधर प्लस माइनस इदा ही रहेगा। अंडर रूट माइनस टू आप लिखना है अंडर रूट टू अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस टू लिखना अंडर रूट टू अंडर रूट माइनस वन। तो अंडर रूट माइनस वन की आप दसिया है, अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू होंगी ए ओटा, पहली एक्सरसाइज से दसिया अंडर रूट माइनस वन की ए ओटा लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट टू ए ओटा आ जाएगा। ए फस्ट पार्ट का सोल्यूशन है, फस्ट 9th एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल नंबर 10th देखो, उन्होंने लिखा सोल्व, इस इक्वेशन सोल्व करना आप। एग्जाम्पल 10 है, सोल्व एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 10, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। देखो एक्स स्क्र का कोफिशियंट इन कंपेयर करा जो आप एक्स स्क्र है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कंपेयर करा, ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है। यदा फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यानी कि यह बनेगा एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर वन वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, ये सी की भी वैल्यू वन अपॉन टू ए, टू इंटू वन वन माइनस फोर बनेगा, वन माइनस फोर बनेगा माइनस थ्री। इस अंडर रूट इस एक्सरसाइज से सारे सवालों से अंडर रूट के नैगेटिव नंबर ही आएगा, उन्होंने सबलिट करना पैना है। लास्ट स्टेप देखो ध्यान, माइनस वन प्लस माइनस इन्हें लिख लो अंडर रूट थ्री अंडर रूट माइनस वन अपॉन टू, अंडर रूट थ्री अंडर रूट माइनस वन अपॉन टू। तो अंडर रूट माइनस वन की तुम वैल्यू पता है एओटा, अंडर रूट थ्री अंडर रूट माइनस वन की आ जाएगा एओटा अपॉन टू, ये सोल्यूशन आ जाएगा एग्जाम्पल 10 का। एग्जाम्पल 11 वेखो जरा, एग्जाम्पल 11 की हैगी है, सोल्व अंडर रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट फाइव, यानी कि जो कंपेयर करा आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना कंपेयर करा, ए की वैल्यू तो रूट फाइव आ जाएगी, एक्स के नाल कुछ नहीं लगा तो मतलब वन लगा, बी की वैल्यू वन आ जाएगी, सी की वैल्यू रूट फाइव आ जाएगी। फार्मूला हर सवाल च लिखना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, कई डिस्क्रिमिनेंट अलग करके भी कर लेंगे कर लियो, सेम ही गल है, माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर फोर ए सी ए रूट फाइव, बिल्कुल सौखे समय जो 10th क्लास किए हुए है, थोड़े जे अलग है क्योंकि अंडर रूट च नैगेटिव नंबर आ रहा है, टू इंटू रूट फाइव, यानी कि अपने को बन जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव, रूट फाइव ना मल्टीप्लाई करो फाइव होंगे, फाइव फोर ना करो ट्वेंटी, वन माइनस ट्वेंटी टू रूट फाइव माइनस नाइनटीन, वन माइनस ट्वेंटी आएगा माइनस नाइनटीन अपॉन टू रूट फाइव। तो माइनस नाइनटीन आप लिख लेना है अंडर रूट नाइनटीन अंडर रूट माइनस वन अपॉन टू रूट फाइव,
यानी कि फाइनल आंसर अपना की बनना, देखो जरा इक्वल टू ये नाल लिख देना माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट, अंडर रूट माइनस वन का मतलब होंगे ए उल्टा, इधर ए उल्टा आ जाएगा टू रूट फाइव, ये तेरा आंसर आ जाएगा। मतलब ये तेरा होमवर्क है, होमवर्क है एक्सरसाइज 5.3, ये तुसी करनी सारे बच्चों ने सोल्व। थैंक यू स्टूडेंट्स।